कैमरे के आगे अपनी आंखें झपकाइए। ये देखिए सक्सेसफुली आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो चुका है। इस पर्स में भी अपना स्टेटस चेक करेंगे तो 24 घंटे के अंदर यह अपडेट हो चुका है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज की मेरी यह वीडियो सभी पेंशनर, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफेंस पेंशनर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, पोस्ट ऑफिस के हैं, पीएसयूज के हैं या फिर ईपीएफओ के हैं, इसके अलावा भी कई अन्य पेंशनर, चाहे वो फैमिली पेंशनर ही क्यों ना हो। जैसे कि आपको पता ही है कि एक पेंशनर को अपनी पेंशन को सुचारू रखने के लिए हर साल अपनी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता है। और दोस्तों आज डिजिटल के युग में अब आपको न बैंक में जाने की जरूरत है, न सीएससी में जाने की जरूरत है, न कहीं जाने की जरूरत है अपना लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने ही मोबाइल से घर पर बैठकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट केवल 2 मिनट में अपने पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को दे सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस पर मैंने पिछले साल भी एक वीडियो बनाई थी और उसका फायदा भी हजारों लाखों लोगों ने उठाया है, लेकिन दोस्तों अब उस ऐप में अपग्रेडेशन हो चुकी है और अगर आप नए सिरे से उस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो वह सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और इसमें जो है नो आरडी सर्विस का जो है इस प्रकार का एरर आ रहा है। और दोस्तों खुशी की बात यह है कि अब जो इसमें अपग्रेडेशन हुआ है वह जो है पहले के मुकाबले बिल्कुल ही आसान है। इसे आप इजीली जो है अपने मोबाइल में इंस्टॉल भी कर सकते हैं और जो इसकी प्रक्रिया है वो बिल्कुल ही आसान है। और दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया को आपको आसानी से समझाने के लिए मैं इसे 4 पार्ट में समझाऊंगा। और दोस्तों आपसे आग्रह यह है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीजें शुरू में भी हैं, बीच में भी हैं और लास्ट तक हर चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो के अंत में भी मैं 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करूंगा। अगर आपने वो भी नहीं देखे तो आपकी यह वीडियो जो है बेकार हो जाएगी। और आप अगर इसको बीच में भी कहीं पर स्किप करते हैं तो फिर समझिए फिर भी यह बेकार है, और शुरू से भी नहीं देखते हैं तब भी आपके लिए यह बेकार है। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अन्य पेंशनर्स को भी जरूर शेयर कर दें। तो दोस्तों यहीं से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टेप 1 में आपने मोबाइल में सबसे पहले प्ले स्टोर खोल लेना है। प्ले स्टोर में आप डाउनलोड आधार फेस आरडी ऐप है स्टेप 1 का, आपने इसे सर्च बार में डाल जो है सर्च में डाल देना है आधार फेस आरडी ऐप। इस प्रकार से आप इसके क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए सबसे ऊपर आधार फेस आरडी का जो है इस प्रकार का लोगो आ रहा है, आपने इसी को डाउनलोड करना है। और दोस्तों बाद में इसको इंस्टॉल करेंगे आप तो ये मोबाइल में ऊपर ऐप के तौर पर नहीं दिखाई देता है, ये जो है अंदर ही जो है काम करता है, इसलिए आपको ये ऊपर नहीं दिखाई देगा लोगों के तौर पर, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है दोस्तों, ठीक है अभी इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड। अब इसके बाद यहाँ पर आपका स्टेप 1 पूरा होता है डाउनलोड आधार फेस आरडी ऐप का। ठीक है, अब इसके बाद हमने प्ले स्टोर पर ही रहना है और हमारा स्टेप 2 शुरू होता है डाउनलोड जीवन प्रमाण ऐप। तो हमने जीवन प्रमाण ऐप यहाँ पर कर लेना है। पहले जो हम इसको गूगल क्रोम से करते थे दोस्तों, और इसका जो है लोगो भी चेंज हो चुका है, उसका ईमेल पे जो है लिंक आता था, लेकिन अब जो है सबसे बड़ा चेंजमेंट यह है कि गूगल प्ले स्टोर से ही जीवन प्रमाण आप जो है ऐप इस प्रकार से जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल क्रोम में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो आप इसका लोगो भी पहचान लेना, दूसरा लोगो का मत करना। ठीक है, तो ये वाला लोगो है, आपने इसको इस पर इंस्टॉल कर लिया है। अब देखिए आपके मोबाइल की स्क्रीन पर इस प्रकार का जो है जीवन प्रमाण का लोगो भी दिखाई देगा, तो आपने जो है आगे बढ़ने के लिए इसको क्लिक कर लेना है। अब आप जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका जो है स्टेप 2 तो यहाँ पर खत्म हो चुका है, अब होता है आपका यहाँ से स्टेप 3। तो शुरू में ये जो है बायोमेट्रिक स्कैनर फाउंड कंटिन्यू यूआईडी है, यस कर देना आपने, और कुछ जो है परमिशन मांगेगा पिक्चर और रिकॉर्ड वीडियो की, तो वाइल यूजिंग ऐप ओके कर देना है। नीड परमिशन मांगेगा आप ऑलरेडी दे चुके हैं, इसलिए जो है गो टू सेटिंग में मत जाना, बाहर कहीं भी एक क्लिक कर देना आप। बाहर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर से आपका तीसरा स्टेप शुरू हो जाता है डिवाइस रजिस्ट्रेशन एंड ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, जो ऑपरेटर होगा उन्होंने अपना आइडेंटिफिकेशन करना है यहाँ पर। अब यहाँ पे आधार डालना है, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये तीनों मैंडेटरी है ऑपरेटर के लिए। ठीक है, और आधार डालेंगे तो उसमें उनका मोबाइल नंबर जो है आधार के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए ऑपरेटर का। ठीक है, आपने सबमिट कर देना है इसको। ये सारी डिटेल डालने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपको जो है एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आ जाएगा। जैसे ही आपको ओटीपी आपने ओटीपी डालना है और इसे
सबमिट कर देना है। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर जो है डिवाइस रजिस्ट्रेशन में ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन में आपका नाम यहाँ पर टाइप कर देना है, इसे यस कर देना है, क्लिक करके आपने यहाँ पर स्कैन करना है। यहाँ पर वही परमिशन मांगेगा वाइल यूजिंग ऐप करके आपने जो है ओके कर देना है। और कैप्चरिंग फेस, अब देखिए फेस को कैप्चर करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ गाइडलाइन दी गई हैं। आप देख रहे हैं कि आधा फेस में जो है छाया आ रहा है, आधा लाइट, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, आपके पूरे फेस में जो है फुल लाइट होनी चाहिए, ठीक है। अगला जो इंस्ट्रक्शन है आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जो आपका मोबाइल है जब आप कैमरा की तरफ रखते हैं तो आपके ठीक जो है 180 डिग्री पैरेलल में होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग डिग्री में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल चेहरे के सामने आपका मोबाइल होना चाहिए। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन दी हुई है, आप इससे समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसे टिक करके इसे प्रोसीड कर देना। अब डिटेक्टिंग फेस, अब आपके फेस के आगे आपका जो है कैमरा आ जाएगा, आपने आंखें झपझपानी है, देखो कभी कभी फेल भी हो जाता है, ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है, आपने दोबारा से स्कैन करना है। अब डिटेक्टिंग फेस देखिए, आपने अपनी आंखें झपझपानी है कैमरे की तरफ देख के, ठीक है। अब डिटेक्टिंग ब्लैंक, अब देखिए इमेज कैप्चर सक्सेसफुली, और ये सक्सेसफुली हो चुका है आपका, ठीक है, जो ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन है। तो ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन जब सक्सेसफुल हो जाता है तो आपका स्टेप 4 शुरू हो जाता है, पेंशनर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है दोस्तों। किसी भी पेंशनर का आइडेंटिफिकेशन जिसका आपने लाइफ सर्टिफिकेट देना है, देखिए ऑपरेटर अलग हो सकता है, ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, पेंशनर और इवन की जो है जो पेंशनर खुद है वो ऑपरेटर भी हो सकता है, ठीक है, तो ऑपरेटर कोई भी कर सकता है, वो खुद भी कर सकते हैं। तो जो पेंशनर है उनका आधार और मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आधार और मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि मोबाइल में उनका जो है ओटीपी आएगा, ठीक है, आधार वो डालना है, ओटीपी आएगा आपका मोबाइल पे, जैसे सबमिट करते हैं ओटीपी डालना है। और इसके बाद देखिए आपका इस प्रकार से पेंशनर का आइडेंटिफिकेशन का पूरा खुल जाएगा। अब सबसे ऊपर देखिए चूज योर पीपीओ नंबर फ्रॉम हियर, तो यहाँ पर से अपना पीपीओ नंबर देखना, आप इसको क्लिक करेंगे तो अगर जो है और पीपीओ नंबर होंगे या फिर जैसे आपने इस पर्स में किया है तो आपका नंबर आ जाएगा, अगर पिछली बार आपने दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आपको नीचे ऐड करना पड़ेगा, ऐड पेंशन पीपीओ, ठीक है, अगर जो नया पीपीओ नंबर है, नहीं तो अगर है तो उसको चूज कर लेना आपने, नीचे अपना आधार के अकॉर्डिंग अपना नाम यहाँ पर आपने टाइप कर लेना है या फिर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ पेंशन में देखिए सर्विस, आप इसके अलावा देखिए कई ऑप्शन है, इनके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगा। सबसे पहले देखिए आप टाइप ऑफ पेंशन, इसको आप सर्विस के आगे जो है आप यहां पर क्लिक करेंगे तो ईपीएफओ से जो ले रहे हैं ईपीएस 95 देखेंगे, जो फैमिली पेंशनर हैं वो फैमिली को क्लिक करेंगे, ठीक है, अदर पेंशनर हैं या जो सर्विस पेंशनर हैं तो इन्हीं के अकॉर्डिंग जो भी आप पेंशनर हैं तो आपने उसको क्लिक कर लेना है। मैं सर्विस पेंशनर हूं तो मैंने सर्विस को यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन टाइप, किस ऑर्गेनाइजेशन से आप बिलोंग करते हैं, इसे क्लिक करेंगे तो बैंक से हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस पीएसयू, ठीक है, ईपीएफओ की ले रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की हैं, तो आप जिसके भी हैं तो आपने उसको सेलेक्ट कर देना है। जैसे डिफेंस का है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं तो डिफेंस वाले यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कर देंगे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिया। अब सैंक्शनिंग अथॉरिटी यहाँ पे देखना है, सेंट्रल सैंक्शनिंग अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर जो है सारी चीजें देखिए डिफेंस भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए तीनों फोर्स के, आर्मी एयरफोर्स नेवी के, लेकिन अगर जो है देखिए अगर इस पर्स में माइग्रेट नहीं हुआ तो डिफेंस चूज करेंगे, अगर माइग्रेशन हो चुका है आर्मी एयरफोर्स नेवी तीनों के तीनों डिफेंस पीसीडीएफ पी अलाहाबाद सेलेक्ट करेंगे, डाउट में मत रहना, ठीक है, तो सब वही करेंगे। इसके बाद जो है डिसबर्सिंग एजेंसी में अगर आप जाएंगे तो बैंक डीपीडीओ पीसीडीए पेंशन अलाहाबाद स्पर्स पीसीडीए पेंशन अलाहाबाद जहां से भी ले रहे हैं, जिनका स्पर्स में हो गया वो सबसे नीचे वाला स्पर्स पीसीडीए पेंशन अलाहाबाद को करेंगे, ठीक है, ओके, आपने इसे सेलेक्ट कर लेना है स्पर्स पीसीडीए पेंशन अलाहाबाद, जिनका स्पर्स में माइग्रेशन हो चुका है उनके लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है, जिनका नहीं हुआ है ऊपर जो बैंक से ले रहा हूँ बैंक ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं अब एजेंसी में ऑटोमेटिकली जो है आपका स्पर्स पीसीडीए पेंशन अलाहाबाद आ जाएगा। नीचे आप पीपीओ नंबर अपना टाइप कर लीजिए अगर नहीं आ रहा है, और उसके नीचे अकाउंट नंबर जिसमें आपकी पेंशन आती है, ठीक है, वैसे बाय डिफॉल्ट आ जाएगी अगर पहले दिया होगा, अगर नहीं आ रही होगी तो आपने उसे टाइप कर लेना है वहां पर, ठीक है, और उसको चेक भी कर लेना कि ये सही है। इसके बाद नीचे जो है कुछ ऑप्शन देख रहे हैं, आर यू री एम्प्लॉयड अगर हैं तो यस करना, नहीं तो नो करना है, ठीक है, और आर यू रीमैरिड अगर रीमैरिड हैं तो यस नहीं तो नो, और इसके बाद आपने इसे नो करके नेक्स्ट कर लेना। नेक्स्ट करेंगे तो देखिए आपकी पहले प्रीव्यू आएगा कि आपका क्या क्या चीज़ें इसमें आ रही है, तो आपने चेक कर लेना हाँ ये सारी चीज़ें बिल्कुल
सही है। अब मैंने स्पर्स के अकॉर्डिंग दिया है, ठीक है, डिफेंस पेंशनर या डिफेंस सिविलियन भी ऐसे ही भर सकते हैं। तो देखिए पीपीओ नंबर वगैरह सारी चीजें चेक कर लेनी है आपने कि हाँ आपने सब चीज सब सही किया है। इसके बाद जो है ये दोनों यहाँ पर डिक्लेरेशन दे देना है कि भाई बिल्कुल सही है, ठीक है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं है। दोनों को क्लिक कर देना है आपने, टिक कर देना है और इसे सबमिट यहाँ पर से कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं तो देखिए कंफर्म करेगा कि नंबर ऑफ पीपीओ रिमेनिंग फॉर डीएलसी। तो इसमें आप एक से ज्यादा भी दे सकते हैं। डू यू वांट टू सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट फॉर रिमेनिंग पीपीओ नंबर, ठीक है। अगर आपके और पीपीओ नंबर नहीं है, दो तीन पेंशन नहीं ले रहे हैं तो नो करना है। अगर ले रहे हैं तो दूसरे में भी एक साथ दे सकते हैं तो यस करना है। तो अगर एक ही में ले रहे हैं तो आपने यहाँ पर नो कर देना है, ठीक है, क्योंकि आपने एक पीपीओ नंबर यहाँ पर डाला है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर आएगा कि आपने जो है इस पीपीओ नंबर के लिए आपका शो कर रहा है, इसके लिए आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने जो है यहाँ पर जो आधार के साथ जो कंसेंट होता है यहाँ पर जो है टिक मार्क करके जो है आधार का कंसेंट होता है यहाँ पर स्कैन को आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। स्कैन को आप जैसे ही जो है क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपका फेस डिटेक्ट करेगा, आपने अपनी आंखें झपकानी है कैमरे के आगे ले जा करके, ठीक है। और देखिए सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद जो है ये देखिए और आपका लाइफ सर्टिफिकेट भी जो है यहाँ पर सबमिट हो चुका है और सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद क्या आप जो है 24 घंटे के अंदर जो है आप यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है कि आपका जीवन प्रमाण आईडी वगैरह ये है, ठीक है। इनसे आप जो है सर्च भी कर सकते हैं, मिल जाता है कि आपका हुआ है नहीं हुआ है। इसके अलावा आप जो है देखे जब आगे बढ़ेंगे तो दोबारा से दिखाएगा कि आपने इसके लिए आपने सबमिट किया था, अभी भी आप करना चाहते हैं दूसरे पीपीओ के लिए तो कर लीजिए, अगर नहीं है तो आपने इसको नो क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद जो है वापस आ जाएंगे आप। इसके बाद अगर आप अपना स्पर्स पोर्टल पर लॉगिन करके देखेंगे स्टेटस आइडेंटिफिकेशन का, ये देखिए 24 घंटे के अंदर अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और जो मैंने आपको कहा था कि वीडियो के अंत में तीन चार इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो मैंने पार्ट 3 में बताया था ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन। तो दोस्तों जो ऑपरेटर होता है वह कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो पेंशनर ही हो, वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। और वो जो है एक बार ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन करने के बाद जो है कितने भी पेंशनर का, क्योंकि इसमें कई लोगों के डाउट रहते हैं कि क्या अपना ही अपना कर सकते हैं, एक आदमी का कितने भी पेंशनर का जो है पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट वहां पर दे सकते हैं, बशर्ते कि जो उसमें ऑपरेटर होता है उसका मोबाइल नंबर जो है आधार के साथ लिंक होना चाहिए। क्योंकि जब वो वहां पर ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन करते हैं तो अपना आधार नंबर डालते हैं और वहां मोबाइल नंबर डालते हैं जो कि आधार के साथ में लिंक है और यूआईडीआई आधार की तरफ से उसमें ओटीपी जाता है और इसी के बाद जो है ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन हो पाता है। तो मेन चीज यह है कि ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन के लिए आधार मोबाइल के साथ में लिंक होना चाहिए। और दूसरी बात जो है, अगर जो है जो पेंशनर है, पेंशनर का जरूरी नहीं कि आधार के साथ में मोबाइल नंबर लिंक हो, उसका चल जाएगा, लेकिन ऑपरेटर का होना जरूरी है। दूसरी चीज दोस्तों, दूसरी चीज मैं आपको बता रहा था कि आपको जो आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं दोस्तों उसका वर्जन जो है 8.0 या फिर इससे एबो होना चाहिए। इसकी रैम जो है 4 GB या उससे ज्यादा की इसकी रैम होनी चाहिए। अगला जो इसका कैमरे का रेजोल्यूशन है दोस्तों वो जो है 5 MP या इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और आजकल बेसिकली जो है जिनके पास भी जो है स्मार्टफोन है एंड्रॉइड फोन है तो उनमें ये सारी चीजें, जो पुराने फोन यूज कर रहे होंगे उनमें नहीं होगा, लेकिन जो आजकल जो भी ले रहे हैं उनमें तकरीबन सब में ये चीजें हैं। और जो स्टोरेज है उसका कम से कम जो है उसमें 500 MB का स्टोरेज उसमें फ्री होना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनके पास पुराने वाले ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर अब नए तरीके से अगर पुराना वाला ऐप इंस्टॉल करेंगे तो वह काम नहीं करेगा। आपको अगर दोबारा से अगर इसको इंस्टॉल करना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, तभी जाके आपके मोबाइल में ये सब चीजें काम करेंगी। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए और शेयर करने के लिए आपको जरूर बोलूंगा, ताकि आपका भी फायदा हो और अन्य पेंशनर्स का भी फायदा हो। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।